हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एस्केप चैनल में। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ क्या टिकटॉक बैन हो सकती है। तो जी हाँ, टिकटॉक बैन हो सकता है, डाउनलोड से हट सकता है, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल से जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तो ये बैन नहीं होगा। एग्जैक्टली ये बैन कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, उस सब के बारे में चलिए आप लोगों को मैं कुछ जानकारी देता हूँ। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबके पास सबसे पहले आप लोगों के पास मिले। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग टिकटॉक के बारे में देख ही रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ आ रही हैं, टिकटॉक बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबके बारे में। तो एग्जैक्टली जो टिकटॉक के रेटिंग की बात की जाए तो पहले था ये 4.7, लेकिन एग्जैक्टली अभी घट के 1.3 आ गई थी। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में आप लोगों को बता दूं तो टिकटॉक का अभी जो प्ले स्टोर पे रेटिंग है वो हो गया 1.6, यानी कि फिर से बढ़ गया है। टिकटॉक का बैन होने के लिए अगर अमर उजाला न्यूज़ की बात की जाए, जो अखबार है, तो उसके आधार पे न्यूज़ जो छपी है उसमें कहना है कि मद्रास का जो हाई कोर्ट है वो डाउनलोडर से बैन करने के लिए कह दिया गया है टिकटॉक पर। तो हो सके ये बैन हो सकता है आदेश पर अगर अमल किया जाए तो। और टिकटॉक इतना क्यों यहाँ इंडिया में इतना पॉपुलर है, क्यों फॉलोअर्स किया गया है, तो ये दरअसल यूथ, मतलब कि जो भी युवा लोग हैं जिनके लिए काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया गया है। मतलब यहाँ से आप वीडियो बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना कर डाल सकते हैं। आप छोटे स्टार हो, बड़े स्टार हो, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो यूट्यूब पर एग्जैक्टली पड़ती है। इस सब वजह से टिकटॉक काफ़ी पॉपुलर हो गया पिछले 2 सालों में, ये काफ़ी ग्रोथ में गया। और बात की जाए तो जब ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, 2018 से काफ़ी ज़्यादा इसके जो डाउनलोड्स है वो बढ़ते चले गए। और सबसे ज़्यादा ये 2016 में टिकटॉक लॉन्च किया गया था और साल 2018 में टिकटॉक लोकप्रिय बहुत तेज़ी से बढ़ी और अक्टूबर 2018 में अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप ये बन गया था। अमेरिका में टिकटॉक पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक का परिचय एक शॉर्ट वीडियो के नाम से है कहकर दिया गया है। प्ले स्टोर पर टिकटॉक को परिभाषित करते हुए कहा गया कि टिकटॉक एक छोटा सा मोबाइल वीडियो बनाने का कोई साधारण जरिया नहीं है, इसके बनावटी नहीं है, यह रियल और इसकी कोई सीमाएं नहीं है। टिकटॉक पर आए 15 सेकेंड में दुनिया को अपनी कहानी बताए। तो इस टाइप से बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे वायरल हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए भारत की तो यहाँ पे आपको टिकटॉक जो डाउनलोडर का आंकड़ा है कम से कम ये 100 करोड़ मिलियन से ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स टाइम में एक रिपोर्ट के अनुसार इससे हर महीने लगभग 20 मिलियन भारतीय इस्तेमाल करते हैं। भारतीयों में टिकटॉक की जो लोकप्रियता है आज अंदाज़ा इस बात पर लगाया जा सकता है कि 8 मिलियन लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर इसका रिव्यू किया। दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों पर एक बड़ी संख्या गांव और छोटे शहरों के लोगों की है। इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि टिकटॉक के दीवाने 7 से 8 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चों तक के सिर चढ़ के ये बोल रही है। वीडियो बनाते वक्त आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और लिपसिंग करना होता है, जहाँ फेसबुक और ट्विटर पर ब्लू टिक पाने की या अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आम लोगों की खासी मकसद करनी पड़ती है। वहीं टिकटॉक वेरीफाई अकाउंट यूजर्स में की संख्या बड़ी है और हालांकि जैसे ये ब्लू टिक मिल जाती है, मतलब अगर थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो कुछ बहुत इनकम भी होने लगती है, 5-6 हज़ार 7 हज़ार, तो वो सब काफ़ी अच्छे टाइम से मिलने लगते हैं। तो ये थे कुछ टिकटॉक के जो फॉलो, क्यों ये इतना पॉपुलर हुआ, क्यों यूज हुआ, क्यों ये इतना ग्रोथ करते करते ये था। और इसके बैन होने की जो खबर है, ये बैन इसलिए होने लगा क्योंकि कुछ कॉन्टेंट्स ऐसे आए टिकटॉक पर जिसकी वजह से सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंस पड़ गया। मतलब ये को भी कुछ भी दिखा सकता है, किसी को भी प्रोमोट कर देता है, तो ये सब वजह से ये टिकटॉक इतना बैन ज़्यादा चल सकता है। टिकटॉक जल्द ही बैन हो जाए क्योंकि बैन होने के बाद हो सकता है कुछ फ़र्क आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि फेसबुक ने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो का जो एक प्लेटफॉर्म है वो रेडी कर चुका है। फेसबुक ने वो भी ब्राज़ील में वो लॉन्च कर चुका है, तो हो सकता है टिकटॉक की जगह कोई और ले अगर टिकटॉक बैन हो जाता है तो। ये थे टिकटॉक के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैंने दिया, टिकटॉक बैन हो सकता है, नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाँ, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिए।